Hello everyone, this is Prem Pandey presenting before you the first chapter of class 8 NCERT science. मैं ये science का chapter number 1 crop production and management class 8 का जो topic है वो आप सबके लिए लेके आया हूँ. बहुत ही requested video है, बहुत सारे students ने comment में करके request की थी इस video की. तो हम आज से साइंस का भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. कंटिन्यूअसली हम सारे चैप्टर्स की वीडियोस प्लस सॉल्यूशंस लाते जाएंगे. हमारे चैनल पे बने रहिए आप लोग. अगर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन अपडेट्स हमारे चैनल का आपको मिल पाएगा टाइम पे. तो इस वीडियो को हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है, फिगर्स की मदद से, वीडियोज़ की मदद से बनाया है, और होप है कि आपको वीडियो पसंद आएगा. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक देखो. चैप्टर बड़ा है इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप फसल उत्पादन और प्रबंधन. इस चैप्टर में हम फसल कैसे उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, उसको उगाने से लेके काटने तक की प्रक्रिया इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो ये कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन है. हाँ दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो हम अंडरलाइन कर देंगे. प्लीज पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें और मेरे साथ बनी रहिए. मैं पूरे चैप्टर को आपको कहीं भी एक भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बनाते जाइए, हम उसको अंडरलाइन भी कर देंगे. और हमने यहाँ पे इमेजेस की भी मदद ली है ताकि आपको जल्दी विजुलाइज हो सके, क्लियर हो सके टॉपिक. पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर. पहली और बूझो एक भाई बहन रहते हैं, वो अपने अंकल के घर गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं. तो वो वहां पे क्या देखते हैं, खुरपी, सीकल, सोवल, प्लाव, मतलब कि खुरपी देखते हैं, हसिया देखते हैं, हल देखते हैं इत्यादि. ये सारी चीजें वो अब खेतों में देखते हैं. और पहली क्या सोचता है, पहली बोलता है कि मैं इन सब चीजों के बारे में जानता हूँ, इन औजारे के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये सब कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं. तो हम इस चैप्टर में पहली को बताएंगे कि इन औजारों का कहाँ और कैसे यूज किया जाता है. हमने चैप्टर में पढ़ा है, हमने पहले पढ़ चुका है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है, फूड को जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. हाँ हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं अपना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. क्लोरोफिल उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिससे वो अपना खुद खाना बना सकते हैं. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, इंसान भी, एनिमल्स और इंसान भी, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं. लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें खाने की जरूरत पड़ती क्यों है. हम पहले से जानते हैं कि खाना हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, जिससे हम क्या करते हैं, यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन. जो कि हम मानवों द्वारा या एनिमल्स द्वारा या ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से, उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जो बॉडी में प्रक्रिया चलती है, बहुत सारी जो गतिविधियाँ चलती है उसमें, उसमें हमारी जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से वो खत्म हो जाती है. जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब प्रक्रियाएं हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चलती हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. हम अपना खाना पौधों से भी लेते हैं और जानवरों से मिलता है, दोनों से हमें अपना खाना मिलता है. अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब हमें हर व्यक्ति को यहाँ पे इतनी भारी मात्रा की पॉपुलेशन, इतना सारा पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड का, और इतनी भारी मात्रा में जब खाने की जरूरत है तो इतना सारा खाना हमें मिलेगा कहाँ से. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. खाने को बहुत बड़ी मात्रा में उगाना पड़ेगा. और इसे करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, लगातार उत्पादन करने की जरूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट, उचित प्रबंधन करने की जरूरत है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और जो हम उगाते हैं उसको हर पार्ट में, देश के हर पार्ट में पहुंच सके उसका भी प्रबंधन हमें करना होगा. तो ये तो था इंट्रोडक्शन पूरा. और मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि कृषि गतिविधियाँ, कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं क्रॉप को बोने से लेके काटने तक के जो समय होता है उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ एक फार्मर, एक किसान करता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो दे रहा हूँ मैं आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करिए और देखते जाइए. टिल 10,000 BC, 10,000 BC तक लोग क्या करते थे, वो लोग नोमैडिक थे और वो यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे खाने के लिए और रहने की खोज में. वो कच्चे फलों को खाते थे, कच्चे सब्जियों को खाते थे,
जानवरों का शिकार करते थे, धीरे धीरे वो जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया अपने खाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने जमीन पे, उन्होंने एक जगह ठहरना, जब एक जगह वो रुकने लगे तो उन्होंने जमीन पे उत्पादन, कृषि चालू कर, कृषि मतलब कि उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। वो चावल उगाने लगे, वो वीट उगाने लगे, और भी बहुत खाद्य पदार्थ के फसलें हैं वो अपना उगाने लगे। और यहीं से जन्म होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर और खेती में आप फर्क समझिए। एग्रीकल्चर की डिफिनेशन यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर में वो सारी चीजें आती हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वो सारी चीजें जो हम अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, जो हम एनिमल्स का रियर करते हैं, एनिमल्स का पशुपालन करते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, और क्रॉप को हम उगाते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, जरूरी सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इन सब चीजों को मिला के एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है क्रॉप की। क्रॉप की डिफिनेशन यही है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज अ कॉल्ड अ क्रॉप। जब पौधे, जब बहुत सारे पौधे, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे बड़ी बड़ी मात्रा में उगाए जाएं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई बहुत सारी गेहूं की जो पौधे होते हैं वो एक जगह पर, एक खेत में बहुत सारे उगाए जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं वो वीट का क्रॉप है, वो पैडी का क्रॉप है, वो बार्ले का क्रॉप है। तो ये सारी चीजें ये होती हैं क्रॉप। क्रॉप बेसिकली क्या होता है, आप एक लाइन में जान लीजिए कि बहुत सारे एक प्रकार के पौधे भारी मात्रा में जहां उगाए जाते हैं वो होता है क्रॉप, उसे हम कहते हैं फसल। हम पहले से जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल। हम पहले से जानते हैं कि जो फसलें होती हैं वो कई प्रकार की होती है, जैसे सीरियल्स अनाज हो गए, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गई, फल हो गए, और ये तो बहुत सारी चीजें होती है जैसे हम अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। लेकिन हम जिस सीजन में वो उगते हैं उस सीजन के आधार पर हमने इन्हें मुख्यतः दो प्रकार, तीन प्रकार में डिवाइड किया है, दो तीन प्रकार में हमने इन्हें डिवाइड किया है, विभाजित किया है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि तापमान, नमी और वर्षा एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करती है, अलग होती है, वैरी करती है। मतलब यहाँ पे थोड़ी कम बारिश है तो वहां पे ज्यादा बारिश, यहाँ पे कम गर्मी है वहां पे ज्यादा गर्मी होगी। तो तापमान और रेनफॉल वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और इसी के आधार पर हमारे पास बहुत सारी रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत सारी रिच वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत ही भारी मात्रा में फसल हैं जो कि भारत के या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं। इतने भिन्नताओं के बाद भी, डिस्पाइट दिस डिवर्सिटी डाइवर्सिटी, हम क्रॉप्स को, फसलों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया हमारा खरीफ क्रॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसके डिफिनेशन पूछे ही जाते हैं। तो दो बहुत ही मेन टाइप ऑफ क्रॉप होते हैं, जैसे कि एक हो गया खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप हमारे वो क्रॉप होते हैं जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, जो कि बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं। बरसात का मौसम हमारे यहाँ जून से सितंबर के बीच में होता है ना, तो जून से सितंबर के बीच में जो भी फसल उगाए जाते हैं वो हम उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि धान हो गई, धान की खेती, चावल की खेती, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कपास हो गया, ग्राउंड नट मतलब मूंगफलियां हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी खरीफ क्रॉप में आती है। खरीफ क्रॉप बेसिकली आप जान लीजिए जो कि जून से सितंबर के महीने में जिसकी बुआई और कटाई होती हो वो है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप विंटर सीजन में, ठंडियों के मौसम में उगाए जाते हैं, मतलब कि नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक, ठीक है, उगाए जाते हैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक जिन्हें हम कह सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गेहूं हो गए, ग्राम हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, लिंसेड हो गया, ये सारी चीजें रबी क्रॉप्स में आती हैं। एक मुख्य डिफरेंस जो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में है, खरीफ क्रॉप को उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वहीं रबी क्रॉप्स को उगने के लिए कम पानी की जरूरत होती है। इसीलिए खरीफ क्रॉप को हम बरसात के मौसम में बोते हैं और रबी क्रॉप्स को हम जो ड्राई सीजन होता है हमारा ठंडियों के मौसम में, हम उसमें बोते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा कुछ दाल और जो कुछ सब्जियां होती हैं वो जो गर्मियों में उगाई जाती हैं कई जगह पे,
इन्हें हम जायद क्रॉप भी कहते हैं, जायद क्रॉप, ZAID, जायद क्रॉप। वो क्रॉप्स होते हैं जो कि समर सीजन्स में उगाए जाते हैं, जैसे कुछ सब्जियां हो गई, दाल हो गए, वो होते हैं हमारे जायद क्रॉप्स। तो जायद क्रॉप्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में रखा नहीं गया है उसे। आगे देखते हैं बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कौन कौन से मुख्य प्रक्रियाएं गतिविधियां होती हैं जो कि एक किसान फसल उगाने के लिए अपनाता है, कौन कौन सी गतिविधियां वो करता है तब जाके फसल उगता है। हम इस पॉइंट के अंदर उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो एक फसल उगाने के लिए बहुत सारी गतिविधियों से एक किसान को गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम अगर देखें तो हम अपने घरों में भी अगर पौधे लगाते हैं, अपने घर पे कुछ सजाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए जो पौधे हम प्लांट करते हैं, जिन जितना ख्याल, जितना पौधे लगाने के लिए हम गमले में जो मिट्टी डालते हैं उसको हम क्या करते हैं, ढीला करते हैं, उसमें उर्वरक डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो जितनी भी गतिविधियां हम करते हैं सेम कुछ इसी प्रकार से गतिविधियां एक किसान भी एक फसल उगाने के लिए करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन्हीं गतिविधियों को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए हमें देखना जरूरी है। यहां से है कि जो भी एक्टिविटीज दोज यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर इवन बाय यू एंड व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डिफिनेशन ये आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो रही है, आप इसको जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमने इन्हें सात प्रक्रिया में विभाजित किया है कि कौन कौन से सात स्टेप्स होते हैं जो एक फार्मर गुजरता है एक फसल उगाने के लिए। तो पहला है मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को ढीला बनाना, ठीक है, उसको जोतना, फिर उस पर पानी डालना, ठीक है, फिर उसको लेबल करना, सोइंग, बीज बोना, एडिंग मैन्योर, खाद और उर्वरक उसमें मिलाना, सिंचाई करना, अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे फसल में कभी कभी अनवांटेड प्लांट्स जो कि जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो उगे वो भी उग जाते हैं, उनको हटाना, मैनुअली हटाना या किसी केमिकल का यूज़ करके हटाना, हार्वेस्टिंग, कटाई, फिर उसको रखने का प्रबंध करना। ये सारी चीज़ें एक फसल उगाने के लिए इन सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। तो पहला देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मिट्टी को तैयार करना किसी एक फसल को उगाने से पहले बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, ये खेती के लिए बहुत ही जरूरी काम है। क्या काम बहुत जरूरी है, टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मिट्टियों को पलटना और इसे ढीला करना, इसे भुरभुरा बनाना। दिस ऑलोज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है, अगर हम मिट्टियों को जितना ढीली रहेगी मिट्टी उतना अंदर तक किसी फसल की जो जड़ होती है वो जाएगी, और जो लूज सॉइल जो ढीली मिट्टी होती है ऑलोज द रूट्स वो जड़ों को अलाउ करती है, परमिट करती है कि ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सकें, सांस ले सके। इवन वो जितने भी अंदर जाए, अगर जो मिट्टी रहेगी हमारी वो भुरभुरी रहेगी, ढीली रहेगी, तो जो फसल की जड़ें वो चाहे जितनी भी अंदर चली जाए वो अच्छे से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हैं। वो व्हाट डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो ढीली मिट्टी रहती है वो जड़ों को क्यों परमिट करती है, क्यों अनुमति देती है कि वो आसानी से सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। द लूजेंड सॉइल, यहाँ इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। जो ढीली मिट्टी होती है वो अर्थवर्म, केचुए और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बढ़ावा देता है। जो ढीली मिट्टी रहती है ये इनको क्या करता है, बढ़ावा देता है, ये अधिक मात्रा में और पैदा होने लगते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को, इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को किसान का दोस्त कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मिट्टियों को उलट पलट देते हैं, उसको क्या करते हैं, भुरभुरा बना देते हैं, इसको ढीला बना देते हैं मिट्टियों को, और उसमें ह्यूमस भी मिला देते हैं। ह्यूमस क्या होता है दोस्तों, ह्यूमस आप कह सकते हो कि जो डेड प्लांट्स और जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो उस मिट्टी में मर गए रहते हैं उनको डिकम्पोज करके वो फिर से उसी मिट्टी में मिलाता है जिससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है।
बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न. लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि मिट्टी को पलटने की और ढीला करने की क्यों जरूरत पड़ती है. तो देखते हैं हम, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल. हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि मिट्टी मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवों को अपने साथ कैरी करता है. मतलब कि मिट्टी में कई प्रकार के मिनरल, पानी, हवा और कुछ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं. इसके साथ ही साथ जो मरे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, मरे हुए जो पौधे रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल ऑर्गेनिज्म जो अर्थवॉर्म हो गए हमारे और जो माइक्रोब्स हो गए उनके द्वारा डीकम्पोज कर दिया जाता है. इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. इस तरीके से जो वो मरे हुए जानवर जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहता है वो फिर से वापस हमारी मिट्टी में आ जाता है और ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. चूंकि हमें पता है कि केवल जमीन के सतह से कुछ सेंटीमीटर तक ही जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है. केवल कुछ सेंटीमीटर शुरुआत से सतह से केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही पौधे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स लेते हैं. और इसलिए अगर जो जो उपजाऊ मिट्टी है वो अगर नीचे से ऊपर आती है तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, और इसीलिए मिट्टियों को पलटना और उसे ढीला करना बहुत ही जरूरी है एक फसल उगाने के लिए. और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, और इसी प्रोसेस को, मिट्टियों को पलटने का और ढीला करने के प्रोसेस को हम टीलेज, टीलिंग या प्लॉइंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जुताई भी कहते हैं. और ये किसके द्वारा किया जाता है, प्लग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ. प्लॉ क्या होता है, हल जिसे हम कहते हैं, वो होता है हमारा प्लॉ. प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन. आप देख सकते हैं कि जो प्लॉ होता है वो किसकी मदद से बना होता है, वो या तो लकड़ी से बना होगा या तो लोहे से बना होगा. और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, इसे पानी, मतलब जोतने से पहले हम पानी देते हैं ताकि मिट्टी क्या हो जाए, थोड़ी नम हो जाए, थोड़ी उसको बोलते हैं कि नम हो जाए, जिससे हल आसानी से चल सके. द प्लग्ड फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रैम्स. जो जुताई किए हुए खेत होते हैं उसमें आप देखते हैं बड़े बड़े ढेले टाइप के, बड़े बड़े मिट्टियों के, मतलब कि पत्थर टाइप के बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रम्स. आप फिगर के थ्रू देख लीजिए, ये होते हैं क्रम्स, जो कि जुताई के बाद जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते हैं वो होते हैं क्रम्स. और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत जरूरी होता है. तो हम इन्हें तोड़ते कैसे हैं, प्लैंक की मदद से तोड़ते हैं. हम अपने ट्रैक्टर्स में लगा के, या कभी कभी आप देखते होंगे गाँव में एक पटरी टाइप का रहता है और पटरी पे लोगों को बैठने के लिए कहा जाता है और वो बैलों से या जानवरों से खिंचाई करवाई जाती है ताकि जो क्रम्स हैं वो टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं. और द फील्ड इज लेबल्ड. फील्ड को लेबल किया जाता है किस लिए, जुताई करने के लिए, बुआई करने के लिए, फॉर सोइंग, बुआई करने के लिए, एज वेल एज और इरिगेशन, मतलब सिंचाई करने के लिए भी हम फील्ड को क्या करते हैं, लेबल करते हैं, प्लेन करते हैं. और ये लेबलिंग किससे की जाती है, लेबलर की मदद से की जाती है. लेबलर आप सब जानते होंगे, आपके गांव में, आपके शहरों में ट्रैक्टर से बांध के खेतों को लेवल किया जाता है, वो एक सतह के रूप में कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है. समटाइम्स कुछ समय तो क्या होता है, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल. जो खाद होते हैं, खाद क्या होता है आप जानते हैं दोस्तों, हमारी जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं काऊ डंग हो गया, ये सब सारी चीजें मैन्योर में आती है हमारे. तो कभी कभी क्या होता है, जुताई करने के पहले ही हम मैन्योर खेतों में डाल देते हैं ताकि जब जुताई की जाए तो जब मिट्टी पलटे तो अच्छे से मैन्योर उस मिट्टी में मिल जाए और वो पौधों को हमारे उगने में और अच्छा मदद करे. इससे क्या होता है, इससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, मतलब कि जो खाद होते हैं वो मिट्टी से अच्छे तरीके से मिल जाते हैं. और बुआई से पहले हम मिट्टियों को पानी भी देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, एकदम नम हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए. ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा. अगला टॉपिक देखते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि जुताई और बुआई के लिए कौन कौन सी औजारों की जरूरत पड़ती है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है. बिफोर सोइंग द सीड्स,
जो बुआई के पहले, ये बहुत जरूरी है कि जो सॉइल्स हैं, जो मिट्टी है, उसको दाने के समान, मतलब जितना छोटा हम कर सकते हैं उतना छोटा कर दे, ताकि हमें बहुत ज्यादा उत्पादन, फसल का उत्पादन मिले। और ये किया किससे जाता है, ये अलग अलग प्रकार के औजारों के मदद से किया जाता है। इसमें मुख्य औजार कौन कौन से हैं, प्लॉ है, हो है, कल्टीवेटर है। प्लाव मतलब हल होता है, हो मतलब कुदाल होती है, और कल्टीवेटर आप जानते हैं जो ट्रैक्टरों में बांध के आमतौर पे जो जुताई होती है उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लाव ये है प्लाव, ये है हो, और ये है कल्टीवेटर। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ट्रैक्टर के पीछे लगा, ये है कल्टीवेटर, ये है हो, और ये है आपका हल। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब हम आपको फिगर से समझाएंगे क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है प्लाव। दिस इज बींग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत ही पुराने समय से जुताई के लिए हमारे गांव में यूज किया जाता है। और इसका किन किन चीजों के लिए यूज होता है, मतलब कि उर्वरक को मिलाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए, फसल में मिलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने के लिए, और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल करने के लिए हम हल की मदद लेते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड। ये किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, जैसा कि आप फिगर पे देख सकते हैं, ये लकड़ी का बना होता है, और ये खींचा जाता है बैलों द्वारा, मतलब कि दो बैल होते हैं उनके द्वारा ये खींचा जाता है। तो बैल की जगह और भी एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए। और ये क्या, ये अपने साथ इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लक्सेर। आप देख रहे हो जो नीचे वाला हिस्सा है, जो लोहे का हिस्सा है, वो त्रिकोण होता है, इसे हम प्लक्सेर कहते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है, जो हल का मेन पार्ट होता है, वो ये देख रहे हैं आप, जो लंबा सा लकड़ी का ये लॉग है, ये होता है, इसे हम प्लक शाफ्ट कहते हैं। और प्लक शाफ्ट के जहां से ये प्लक सेयर होता है, उसके जस्ट अपोजिट दिशा में एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। ठीक है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम। और जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, वो देखिए बैल के यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं बैल के गले में ये जो बीम लगी हुई है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये होता है, क्या बोलते हैं हम उसे, ये बुल स्नेक में उसका अदर पार्ट जुड़ा होता है। वन पेयर ऑफ बुल, जो कि एक एक बैलों का जोड़ा और एक आदमी इसे आसानी से चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लग। जो पुराने जमाने के हल थे, वो अब लोहे के जो हल हैं, इससे आजकल जुताई हो रही है, हम उनका ज्यादा यूज नहीं करते। जो वुडन प्लाउस थे, हम उनका ज्यादा यूज नहीं करते, अब हम आयरन प्लाउस का यूज करते हैं इन दिनों। हो कुदाल जो होता है, इट इज अ सिंपल टूल। ये बहुत ही साधारण सा औजार होता है, जो कि जो हमारे फसल के बीच में अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं उनको हटाने के लिए यूज होता है, और मिट्टी को ढीला करने के लिए भी इनका यूज होता है। इनमें लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, मतलब कि वुड की, लकड़ी की लॉन्ग रॉड होती है, या आयरन की भी वो हो सकती है, और एक बहुत ही मजबूत चौड़ा मुड़ा हुआ लोहे का प्लेट होता है, जो कि इसके एक किनारे लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जरूरत है, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा सा जो लंबा सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ये बीम। बीम के मदद से आप देख रहे हैं इसको जोड़ा गया है। प्लेट, जो कि इसका बहुत ही मुख्य हिस्सा होता है, बेंट प्लेट, ये है। ग्रिप, जो कि पकड़ने के लिए है, हैंडल है, और जो ये जो लंबा सा है रॉड है वो। ठीक है, तो ये है हो, और ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, जानवरों द्वारा ये खींचा जाता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या है, आज दिनों क्या होता है, जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टरों में कल्टीवेटर लगे होते हैं उनकी मदद से की जाती है। ये जो लेबर होता है, मतलब जो आदमी लोग मेहनत करते थे और समय जो लेती थी, वो इन सब चीजों को बचाता है। आगे चीज देखते हैं क्या है, सोइंग, बुआई जिसे हम कहते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो बुआई होती है किसी फसल की, वो बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जब बुआई नहीं होगी तो फसल को काटेंगे क्या हम। बिफोर सोइंग, बुआई के पहले एक जो किसान होता है, वो देखता है वो अच्छी फसल, अच्छी क्वालिटी की जो बीजें होती हैं उसको सेलेक्ट करता है, उसको चुनता है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो बीजें होंगी वो साफ होंगी, मतलब कि हेल्दी होंगी, ठीक है, स्वस्थ होंगी और अच्छे वैरायटी की होंगी। फार्मर्स इनका यूज करता है ताकि वो बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। हम इसके लिए एक एक्टिविटी भी ले सकते हैं, एक बीकर में हम क्या करें, आधा पानी डाल दें और उसमें गेहूं की कुछ बीजें डाल दें मुट्ठी भर, तो क्या हम देखेंगे, हम उसमें थोड़ा देर इंतजार करते हैं,
आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या ये कुछ सीड्स आपको ऐसी दिख रही हैं जो कि पानी में फ्लोट कर रही हैं, जो कि पानी में तैर रही हैं? क्या वो हल्की हैं कि पानी में तैर रही हैं? क्या वो जो भारी हैं वो नीचे डूब गई हैं? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि ये भारी क्यों है, ये हल्की क्यों है जो तैर रही हैं। तो ये हल्की इसलिए होती हैं क्योंकि वो डैमेज्ड होती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, अंदर से खोखली हो चुकी होती हैं, इसलिए वो उनमें वजन बिल्कुल नहीं रहता और वो पानी पे तैरती हैं। दिस इज अ गुड मेथड, ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा माध्यम है ये पता लगाने के लिए कि कौन सी बीज हेल्दी है, कौन सा बीज बोने लायक है और कौन सा बीज बोने लायक नहीं है। छाटने की ये सबसे अच्छा माध्यम है कि हम अच्छे बीजों को छाट लें और जो हॉलो, जो लाइटर, जो खत्म हो गए हैं, जो अनहेल्दी बीज हैं उनको हम निकाल दें। बिफोर सोइंग, बुआई के पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि हम बुआई में प्रयोग होने वाले सारे टूल्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहला होता है कि ट्रेडिशनल टूल, बुआई में सबसे पहले हम क्या यूज करते थे, ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे टूल फॉर सोइंग सीड्स इज सेप लाइक ए फनल। ये किस प्रकार था, एक फनल के टाइप था, फनल आप जानते हो कुप्पी, फनल के टाइप का था और इसमें फनल में बीज भर दिए जाते थे जो कि क्या होते थे, ये आप देख रहे हैं, इनमें बीज भर दिए जाते थे और वो पाइप लगी है आप देख रहे हैं, इन पाइप की मदद से वो ग्राउंड में, मतलब कि ये जो हल है, ये हल क्या करता था, जमीन को खोदते चलता था और पीछे से ये जो फनल लगाए गए हैं वो उनकी मदद से जो सीड था वो जमीन तक एकदम अंदर तक पहुंच जाता था। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिनमें हम यूज करते थे। अब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सीड ड्रिल। अब हम किसका यूज करते हैं, अब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ये देख रहे हैं आप सीड ड्रिल, ये है सीड ड्रिल। क्या होता है, आपने देखा होगा आपके खेतों में जहां जहां बड़े खेत होते हैं वहां पे क्या होता है, सीड ड्रिल का मदद से हम बीज को बोते हैं। ये किस प्रकार का होता है, दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज। ये किसी बीज को उचित, मतलब कि एक बराबर स्थान पे बोता है, जैसे 10 सेंटीमीटर पे एक बीज है तो दूसरा भी अगले 10 सेंटीमीटर पे होगा, तीसरा अगले 10 सेंटीमीटर पे होगा, उचित दूरी पे और उचित गहराई में सीड ड्रिल जो मशीन होती है वो बीजों को बोता है। इससे क्या होता है, इससे और ये मिट्टी भी ऊपर से डाल देता है, बीज बोने के बाद ये ऊपर से मिट्टी भी कवर कर देता है जिससे कि जो हम बीज बो रहे हैं उसे पक्षियां चूग ना ले, पक्षियां उठा ना ले जाएं। बुआई के लिए जो सीड ड्रिल मशीन का यूज होता है ये समय बचाता है, मेहनत बचाता है। तो इन ये सब चीजें हमने अभी देखा है इस चैप्टर में, अब तक पढ़ा है। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम वो सब कुछ हर संभव प्रयास करते हैं ताकि आपको एकेडमिक्स में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक।